अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नबीला कौसर और मेरे चैनल फूड डिश रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम व्रत वाली साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए लिया है 1 कप साबूदाना, यह है 200 ग्राम। सबसे पहले हम साबूदाने को बहुत अच्छी तरह से धोएंगे। इस तरह से मल के, ताकि इसका जो ऊपर स्टार्च है वो निकल जाए। बहुत हल्के हाथों से इसको हम कम से कम 3 मरतबा धोएंगे। एक बार धो लिया है, एक बार इसको और धोएंगे। इसको 2-3 बार हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी। सिर्फ इतना ही पानी लेना है हमें, जितने में हमारा बस ये साबूदाना डूब जाए, इससे ज़्यादा नहीं लेने। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून दही। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1 प्लेट से ढक के 2 घंटे के लिए इसको साइड में रख देते हैं। 2 घंटे बाद खिचड़ी बनाएंगे। तो उनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यह है 1 कप साबूदाना, 1 बड़ा कप जिसको भिगो दिया है 2 घंटे के लिए, जो देखिए अच्छे से सोख हो चुका है, गल चुका है, इस तरह से भीग चुका है। साबूदाना हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है, तभी हमारी खिचड़ी अच्छी बनेगी। ये 2 मीडियम आलू हैं जिनको उबाल कर इतने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है हमने। ये हैं 1/2 कप मूंगफली के दाने जो हम खिचड़ी में डालेंगे अभी रोस्ट करके। ये हैं 6-7 करी पत्ता, इनको भी कट कर लिया है हमने। ये हैं 2 मीडियम टमाटर, इनको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी काट लिया है। 3-4 हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है। यह हरा धनिया, इसको भी काट लिया है हमने। यह है 1/2 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई। यह है 1 टीस्पून जीरा, रेड मिर्च है 1/2। अगर आप खाएं व्रत में तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यह है व्रत वाला नमक, सेंधा नमक 1/2 टीस्पून। आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए 1 कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। अगर आप ऑयल खाते हैं, तेल में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें मूंगफली रोस्ट करेंगे हल्के से घी में। मूंगफली के दानों को हम रोस्ट करेंगे। इन्हें रोस्ट करने में 2-3 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हम थोड़े लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे। मूंगफली के दाने हमने रोस्ट कर लिए हैं, इनको निकालते हैं 1 प्लेट में और इनको ठंडा करते हैं ताकि इनका छिलका उतार सकें हम। 1 चम्मच भरकर घी डालेंगे हम। इसमें डालेंगे ज़ीरा, डाल देंगे अब इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे भूनते हैं और इसमें डाल देंगे अब हम टमाटर। अब टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, टमाटर को बस रोस्ट करना है इस तरह से। अब डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू भी इसके साथ फ्राई हो जाएंगे। करी पत्ता भी डाल देते हैं, आलू को फ्राई करते हैं। ये बहुत झटपट बनकर तैयार होती है, बहुत हेल्दी है। आप व्रत में तो खाते ही हैं इसको और वैसे भी खा सकते हैं। इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च। आलू टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसमें डाल दिए हमने काली मिर्च और डाल देंगे हम नमक, ये हमारा सेंधा नमक है,
इसमें डालेंगे अब हम साबूदाना। ये हमने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। ये सारे काम हमें तेज़ आंच पे करना है। इसको मिलाएंगे फटाफट। लाल मिर्च अगर आप खाते हैं तो डाल दीजिए, मैं थोड़ी सी डाल लेंगी, और अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, और हमारी खिचड़ी है वो नीचे लग भी नहीं रही। इस तरह से आपकी बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी बनेगी। इसको अच्छी तरह से मिलाइए। इसमें डालते हैं मूंगफली, मूंगफली के दाने। मैं क्या करूं, मेरे मुंह से मूंगफली निकल जाती है, लेकिन ये है मूंगफली के दाने। इसको मिलाएंगे। ये हेल्दी सी हमारी डिश बनकर तैयार होगी। 2-3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं, और फिर करेंगे इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, आइए खोल कर देखते हैं। वाह, हमारी बढ़िया सी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। देखिए बिल्कुल चुपकी भी नहीं और एकदम खिली खिली है। इसमें डालेंगे अब हम हरा धनिया। कितने खूबसूरत से इसके कलर हैं, लाल है, सफ़ेद है और हरा है। और अब इसे करते हैं हम डिश आउट। गरम गरम मज़ेदार व्रत वाली खिचड़ी बनकर तैयार है, जो देखने में ही इतनी खूबसूरत हो तो खाने का तो मज़ा कुछ और ही होगा इसका। तो ये खिचड़ी बनकर हो गई तैयार। इसमें और डाल देती हूँ मैं हरा धनिया, और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।